हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स रिलेटेड 52 ट्यूटोरियल है। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अलग अलग तरीकों से, और कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी बना सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम उसका उलट करने वाले हैं। इसके अंदर हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट नाम का, और ये एक खाली एरे है, आपको यहाँ दिख रहा है आपको। अगर मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दूँ तो इसी को हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये हमने अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं। एक स्टूडेंट का एरे, तो इसमें एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है, एज नाम की प्रॉपर्टी है, सब में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के एरे को यूज़ कैसे करना है और कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, और यहाँ पे अब हम अपना पहला वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हमने एरे बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर इसको हम बना देते हैं एक एरे। अब इस एरे के अंदर मैं यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डाल देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, नेम, नेम के अंदर गया, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जैसे राम, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जैसे एज, और एज जो है वो न्यूमेरिक है, तो उसमें हम ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, मैं इसी वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने दो बार इसे पेस्ट करके यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, करण, और यहाँ आ गया राहुल, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 13, और यहाँ आ गई 14। मैं अब इसके बाद इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखिए पहले मैं इसको आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया जो हमारा एरे है। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। अब इसके अंदर मेरे को पहले खोलना कंसोल, और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एरे प्रिंट हो गया, और एरे में दिखा रहे हैं तीन वैल्यूज़ हैं। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे जो अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, वो अलग अलग इंडेक्स पे सेव हो रहे हैं। 0 पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, 1 पे ये, और 2 पे ये, और यहाँ पे लेंथ भी दिखा रहा है एरे की, वो है 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको लूप में कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक फॉर का लूप ले लेता हूँ, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, और इसमें स्टार्टिंग कर लेता हूँ 0 से, क्योंकि एरे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 है। और इसके बाद ए लेस देन मैंने यहाँ कर लिया जो हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट नाम का, उसकी लेंथ। देखिए यहाँ पर लेंथ नाम का एक मेथड दिखा रहा है, और उसके अंदर 3 वैल्यू आ रही है, तो हमें 3 तक ही चलाना है, ये आ गया। और इसके बाद मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि ए प्लस प्लस। मैं बाहर आया यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ अंदर से बारी बारी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है कौन सा, स्टूडेंट नाम का, और देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्क्वेयर ब्रेसेस, क्योंकि ये एरे है, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा ए की। अभी मैं आपको सिंपल यही प्रिंट करके दिखाता हूँ, और साथ में जब एक एक रो प्रिंट होती रहे ऑब्जेक्ट की, तो उसके बाद यहाँ ब्रेक भी लगा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर ये सिंपल ऑब्जेक्ट 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 ही प्रिंट हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने लगेंगे डायरेक्टली, तो वो ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करेगा, ना कि उसकी वैल्यूज़। तो उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर लूँगा जैसे नेम, मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर साथ में ही मैं उसकी एज भी देखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं कॉनकैटिनेट कर लेता हूँ, स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद एक बार और कॉनकैटिनेट करके यही मैं दोबारा से वर्ड ले लेता हूँ पूरा डॉट तक, और यहाँ आके मैंने लिख लिया एज, मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने कैसे इसको प्रिंट किया यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से। तो यही तरीका होता है जब आप एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो वो सीधा प्रिंट नहीं होगा, तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के नेम लेने पड़ेंगे अलग अलग। तो ये तरीका भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिल्कुल वैसे ही तरीके की तरह जो हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे एरे ले सकते थे। वहाँ पर्पस अलग था, मगर यहाँ पे पर्पस अलग है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।